चलो बच्चों, तो यहां तक नोट कर लिया। अब थोड़ा सा यहां से मैं चीजों को रब करूंगा, क्योंकि अब अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड बात करनी। तो अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, ये सब चीजों को रब करेंगे। आई होप आप लोगों ने इतना लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा है तो गाइस थोड़ा सा पिछले पार्ट में जाके लिख लेना यार। अब क्या कर सकते हैं, मिटाना तो पड़ेगा, मिटाना ही पड़ेगा। हम मिटाएंगे, हम मिटा चुके। तो कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचने का तरीका सबको मिल गया था। नाउ अब मान लो अपने पास में कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या कर सकते हैं जरा समझो। कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर एग्जांपल आपके पास में RCOOH है। अगर आप इस RCOOH का ट्रीटमेंट वापस से RCOOH के साथ करते हो, तो यहां से OH और यहां से H पानी बनाकर बाहर हो जाएंगे और यहां बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O, ये रह गया। फिर इसके O से ये कनेक्टेड है और फिर इस O से ये C डबल बॉन्ड O कनेक्टेड है और इस C डबल बॉन्ड O से R कनेक्टेड है। तो ये बन गया आपका एसिड एनहाइड्राइड। ये क्या बन गया आपका एसिड एनहाइड्राइड। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का ट्रीटमेंट अल्कोहल के साथ करते हो, तो अगेन यहां से H यहां से OH वाटर बन के बाहर हो जाएगा और ये बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O O R डैश, दैट इज योर ईस्टर। बन गया ईस्टर। अगर आप इसका ट्रीटमेंट अमोनिया के साथ करते हो NH3 के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा R C डबल बॉन्ड O NH2 के अंदर। दैट मींस यहां से OH और यहां से H वाटर बन के बाहर हो जाएगा, यहां का NH2 अटैच हो जाएगा, ये बन गया आपका अमाइड। ठीक। अगर आप इसका ट्रीटमेंट HCl के साथ करते हो, तो यहां से H यहां से OH वाटर बन के बाहर और ये बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O Cl, दैट इज योर असाइल हेलाइड। क्लोरीन लगाए तो क्लोराइड। तो ये आगे कार्बोक्सिलिक एसिड के अलग अलग कंपाउंड्स बनाने की प्रोसेस हो गई। अब एक क्वेश्चन यहां पर मैं आपको और अच्छी चीज बता दूं, आप चाहे तो इस अमाइड से अमाइन बना सकते हैं। कैसे? इस अमाइड के साथ आप लगाएंगे हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। मतलब आप यहां पर क्या करेंगे, आप यहां पर NaOH और ब्रोमीन को ऐड करेंगे। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन का काम होता है इस C डबल बॉन्ड O को यहां से रिमूव करना, तो ये बन जाता है RNH2, दैट इज योर अमाइन। तो आप लोग अमाइन से अमाइड बड़े आराम से बना सकते हो। अब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि अमाइन से वापस अमाइड बनाओ, तो पहले अमाइन को एक काम करो, आप सबसे पहले यहां पर इसका ट्रीटमेंट HX के साथ करो, तो अमोनिया बाहर हो जाएगा, ये अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्काइल हैलाइड को फिर अल्कोहल में कन्वर्ट करो, अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करो, अल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करो, कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ ट्रीट करके अमाइड बना लो। देखो वो साइकिल घूम के वापस आपके सामने आ गई। समझ गए हम लोग चीज को? तो बच्चों इस तरीके से ये चीज आप लोग बड़े आराम से बहुत आराम से कर सकते हो। अच्छा, पिछले बार एक चीज बतानी रह गई थी, वो अल्काइल हैलाइड वाला अपना जो चार्ट था, अल्काइल हैलाइड से हम एक चीज और बना सकते हैं, दैट इज योर ईथर्स। अल्काइल हैलाइड से आप ईथर बना सकते हो। कैसे बनाओगे ईथर? अल्काइल हैलाइड क्या है? RX, RX का ट्रीटमेंट NaOR के साथ कर दो, तो Na और X, NaX बन के बाहर, OR R से जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा ROR डैश, दैट इज योर ईथर्स। तो बच्चों देखो, मैंने कोशिश करी है आप लोगों को बहुत सारे कन्वर्जन समझा देने की। दिस इज अ क्वाइट रिविजन काइंड ऑफ थिंग। तो यहां पर हम लोगों ने इसका रिविजन कर लिया है। अब ये चीज कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सिखाता हूं, लेकिन पहले इन वीडियोस को ध्यान से देख लो। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको नोट करेंगे।